press the bell icon for all the updates. This is my first take for the first diaries, and I got it just before the heavy rains happened in Bombay. Initial film that I took, I had a strict this thing that I will not kiss on screen. So I did my first show there. पहले ही show में उन्होंने मेरे बाल golden color कर दिए थे. Literally I had to wear like full cap and मतलब सब देखते-देखते ही कोई देख तो नहीं रहा है. मेरा पहला जो जॉब था वो था जब मैं करीब 17 साल का था, एंड दिस वॉज अ समर जॉब जो स्ट्रेट स्कूल ख़त्म होने के बाद मैंने ज्वाइन किया था. ये एक टेली मार्केटियर का जॉब था जिसमें हम होटल्स के कार्ड्स बेच रहे थे. सो या आई लर्न दैट फॉर अबाउट मतलब एक दिन हमें सिखा दिया वो मैम ने, और उसके बाद हम तीन लड़के थे जो रोज़ 9 से 5 हम लोग कॉल करते थे लोगों को और होटल के कार्ड बेचते थे. And yeah, I did this for about 2 months and was very happy that I got a salary. I gave it to my nani and she was very happy. So that was it. So my first salary jo mili thi wo us time pe I think kareeb 5000 rupees thi 2 mahine ke liye. So as a telemarketer, and wo maine apni nani ke haath mein de di, and nani ne usme se I think 100 rupees ya 101 rakhe the and baki mujhe diye. To maine obviously kafi kuch jaake shopping kar li. Haan, mera pehla shot in front of the camera was for the music video Chhod Do Aanchal Bombay Vikings ka. Ye Neeraj Sridhar ka song hai. And this became overnight became a super hit. It was a number one on all the charts. And usse pehle maine kabhi moving camera face nahi kiya tha. I had obviously done a lot of print ramp, but haan, as a camera shot, this was my first shot. मैंने काफ़ी ऑडिशन दिए ऑब्वियसली, एंड लुक टेस्ट तो अभी भी करते हैं हम लोग. बट ऑडिशंस आई वुड से कि पहला ऐसे मुझे याद नहीं है, बट शायद एक टाइम्स ऑफ इंडिया का टीवी कमर्शियल किया था मैंने. दैट वाज माय फर्स्ट टीवी कमर्शियल, सो दैट वाज माय फर्स्ट ऑडिशन आल्सो. माय फर्स्ट हाउस, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम दिल्ली. तो मेरा पहला मेन घर जो है वो दिल्ली में है, एंड बॉम्बे का माय फर्स्ट हाउस इज़ आई गॉट इट जस्ट बिफोर द हैवी रेन्स हैपेंड इन बॉम्बे. July 27th से जो पहले 20 जुलाई को मैंने पहला अपना घर लिया था 2005 में, एंड या दैट वाज दिस दैट्स गॉट ब्यूटीफुल मेमोरीज एज व्हाटएवर आई हैड व्हेरेवर आई कुड यू नो सेव्ड अप, एंड लकीली टुक इट राइट ऑन टाइम क्योंकि उसके 6 महीने बाद सारे प्रॉपर्टी प्राइजेस बूम हो गए थे. मैंने मॉडलिंग दिल्ली में शुरू की थी. सो बिफोर दैट आई ऑल्सो यूज टू गो टू द कॉलेज. आई जस्ट फिनिश माई BBA ऑनर्स, एंड मैं MBA के लिए बीच में रुका हुआ था, मतलब कि एक साल जॉब करने के बाद मैं MBA करूँगा. तो मैंने करीब आई थिंक उस दौरान मैंने एक रैंप शो किया था, एंड आफ्टर दैट शो स्ट्रेट अवे 2-3 पीपल केम अप टू मी एंड यू नो दे वॉन्टेड टू टेक माई ऑटोग्राफ, एंड या दैट फेल्ट रियली गुड. आई थिंक उसकी वजह से मुझे लगा कि यार ये तो अच्छा है और करना चाहिए, एंड दैट एक्चुअली गॉट मी इन टू दिस एंटरटेनमेंट, दिस ग्लैमर लाइफ. बिकॉज बिफोर दैट मेरा इंटरेस्ट वॉज मोर इन टू स्पोर्ट्स, इन टू बिजनेस, एंड आई यूज टू शाई अवे फ्रॉम इट. माई फर्स्ट ऑन स्क्रीन किस वॉज हैपन क्वाइट लेट आई वुड से. I didn't start off with the initial film that I took. I had a strict this thing that I will not kiss on screen. So mera pehla kiss I think on screen was with Surveen Chawla and Mohammad Barsad. Off screen kiss was with my girlfriend, with who's my wife now, Pallavi, and yes, that was my first kiss. My first date was I think ये जो मैंने बताया आपको कि मैं जब टेली मार्केटिंग का जॉब कर रहा था, तो उस दौरान मैंने दैट वॉज ऑल्सो अ टाइम वेन यू गॉटन आउट ऑफ स्कूल, यू गॉट जस्ट गेटिंग इन टू कॉलेज. तो उस दौरान येस आई डिड डेट, मतलब एट दैट मोमेंट दैट वॉज द टाइम वेन आई फर्स्ट वेंट आउट फॉर लाइक माई फर्स्ट डेट, एंड या दैट वॉज इन डिफेंस कॉलोनी इन दिल्ली.
माई फर्स्ट रैम्प वॉक जो थी वो इट एक्चुअली हैपेंड बाई चांस. आई वॉज एट अ वेडिंग एट ऑफ अ कज़न एंड वहाँ पे देर वॉज दिस फेमस कोरियोग्राफर फ्रॉम डेली, रश्मि विरमानी, वो भी थी. एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि यार आप तो मतलब योर पर्सनैलिटी सच, यू शुड बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, यू शुड बी डूइंग शोज, यू शुड बी डूइंग प्रिंट, तो वाई डोंट यू डू अ शो फॉर मी. तो पहले आई हेजिटेटेड एंड देन आई सेड कि ठीक है. माई कज़न सेड कि यार कर ले, एक करने में क्या जाता है. सो आई डिड माई फर्स्ट शो देयर एंड दैट वॉज अ हेयर शो. तो पहले ही शो में उन्होंने मेरे बाल गोल्डन कलर कर दिए थे. एंड तब उन दिनों में मैं आई यूज टू गो टू द शॉप, मतलब हमारी एक दुकान है बॉल बेयरिंग की, तो वहाँ पे मैं लिटरली आई हैड टू वेयर लाइक फुल कैप एंड मतलब सब देखते देखते ही कोई देख तो नहीं रहा. एंड दुकान के अंदर मैं छुप छुप के घुस रहा था एक दो दिन. एंड देन जैसे ही शो ख़त्म हुआ मैंने आई गॉट माई हेयर कलर बैक. एंड या सो दैट, बट इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस. आई थिंक अगर वो नहीं करता तो प्रॉब्ली मैं यहाँ नहीं होता. माई फर्स्ट फोन आई बॉट इट इन माई फर्स्ट ईयर कॉलेज. एंड येस इट वॉज फ्रॉम माई ओन मनी बिकॉज मैं करीब, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने साथ में ही कॉलेज के पार्ट टाइम आई स्टार्टेड वर्किंग एंड आई यूज टू गो टू द शॉप एज अ पार्ट टाइम एम्प्लॉई. आई यूज टू वर्क सेल बॉल बेयरिंग्स, ट्रांसमिशन गेयर्स एंड आई इवन वर्कड एट अ वर्कशॉप एज अ मतलब गराज सुपरवाइजर कह सकते हैं आप. सो वहाँ से जितनी भी सैलरी बचती थी उसमें से फ़ोन खरीदा, उसी में से पहली गाड़ी खरीदी. एंड या सो दैट दोज वर मतलब दोज वर इंटरेस्टिंग मोमेंट्स इन लाइफ बिकॉज यू नो दे सॉर्ट ऑफ मेक यू सेल्फ इंडिपेंडेंट, दे मेक यू रियलाइज द वर्थ, देन दे ऑल्सो मेक यू रियलाइज कि आपके यू नो वॉट ऑल योर पेरेंट्स डू फॉर यू. तो इट मेक्स यू वैल्यू मनी मोर. माई फर्स्ट कार वॉज अ टाटा सियरा वाइट कलर. And this was, I got it from another uncle of mine who was in Kashmiri Gate. Basically, I used to work in Kashmiri Gate and right next to, matlab I always wanted to buy a Jeep. And उन्होंने मुझे बोला कि यार, मैंने उनको बोला कि अंकल मुझे ना ये आई वॉन्ट टू बाय दिस कार बिकॉज आई नो दैट यू सेलिंग इट. सो ही सेड कि कितने हैं तेरे पास. तो आई सेड कि मेरे पास इतने हैं. तो उनका ऑब्वियसली आस्किंग प्राइस वॉज हायर, बट देन ही सेड कि यार इतना मतलब 18 साल का लड़का है एंड इज आस्किंग मी दिस, तो मतलब इसने कुछ किया होगा. एंड ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही सॉर्ट ऑफ अंडर प्राइज द कार एंड गेव इट टू मी एंड आई बॉट इट. अब ये हुआ कि मेरे पास जितने बाकी के थे वो मैंने जाके एक रेडियो सिस्टम लगवा दिया अंदर, यू नो लाइक अ वेरी वूफर एंड एम्पलीफायर. सो आई स्पेंट माई फुल मनी एंड या एंड आई रियली एन्जॉयड इन दैट कार. माई फर्स्ट सेल्फ स्पॉन्सर्ड वेकेशन वॉज आई थिंक एक्चुअली एज आई डोंट इवन रिमेंबर बिकॉज आई नेवर टुक अ वेकेशन फॉर क्वाइट सम टाइम. आई ओनली आफ्टर बाइंग माई ओन हाउस डिड आई एवर टेक अ वेकेशन. आई डिडंट टेक अ वेकेशन ऑल दीज ईयर्स. सो मस्ट बी फ्रॉम 2003 से आप 2 से कह सकते हैं, 2005-06 तक मैंने कभी वेकेशन ही नहीं लिया. And my straight my vacation was my honeymoon, so that was self-sponsored also. So that was to Egypt. Yeah.